घटना पर शेयर करने में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज उसी क्राइम ब्रांच के थाने में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां पर दो दिन पहले उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के एडिटेड वीडियो शेयर करने को आधार बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर मेरे खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। यदि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो मैं इसके लिए कोर्ट तक जाऊंगा। जब तक मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को अपने समर्थकों के साथ एमपी नगर स्थित क्राइम ब्रांच थाने पर पहुंचे थे, जहां पर पहले से मौजूद जयवर्धन सिंह, पीसी शर्मा, कैलाश मिश्र सहित कांग्रेस के कई नेता थाने पर मौजूद थे। मीडिया से बात करने के बाद दिग्विजय सिंह एसपी से मिले। दो मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद दिग्विजय सिंह ने बाहर आकर कहा कि हमने एसपी को मामले की जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी रोके जाने की मांग की है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान समेत दो लोगों पर राहुल गांधी के वीडियो को एडिटेट कर सोशल मीडिया पर चलाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।